بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هو الاول والاخر والظاهر والباطن والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا ابي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على آدائهم ومنكر فضائلهم وغاسب حقوقهم إلى قيام يوم الدين وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات التماع سورة تمام مومن و کے لئے تمام علماء کرام مراجع زام تمام شہداء ملت کے لئے ہم سب کے آباء اجداد کے لئے رحم الله من قرء الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل إرشاد خداوند تبارك وتعالى ہے اے ایمان والوں تم پر روزوں کو واجب قرار دیا گیا جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پر روزوں کو واجب قرار دیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو یا بالفاظ دیگر تاکہ تم با ہو جاؤ इस जानब हमने तवज्जो दिलाई कि इस रोज़े के इंसान का नफ़ मज़बूत होता है और नफ़त मज़बूत होता है बल्कि ख़ुद हमें एहसास होता है हमें इल्म होता है और हम अपने आप को जो अंडर इस्टिमेट कर रहे होते हैं आम जमाने में तो माह रमज़ान में हम अपने आप को जान लेते हैं और अमूमा ये हमें दर्क नहीं हो पाता यानी कभी भी हम ये इजहार नहीं कर पाते और कह भी नहीं पाते किसी और से और कहने की ज़रूरत भी नहीं है लेकिन ख़ुद हमें पता होना चाहिए कि हम अपने नफ्स पर कंट्रोल कर सकते हैं और ये हम पहले भी बता चुके हैं कि तमाम लोग अपने नफ्स पर कंट्रोल कर सकते हैं जैसे कि हमने मिसाल दी कि एक दफ़ा एक हमारे दोस्त के अल्लाह उनकी तोफ़ीत में इजाफा फरमाए तो अब जाहिर है कि उनकी बुराई तो नहीं हो रही मुमकिन है वो सुने तो उनको कोई बुरा भी नहीं लगेगा तो एक दफ़ा उनको एक रेस्टोरेंट में गुस्सा आ गया था क्यों के जो वेटर या वेट्रेस डिश में सामान लाई थी यानी खाने की चीज़ वो शोरबा वग़ैरह जो भी था तो वो गंदी हो गई थी डिश और जाहिर रहे है कि अच्छे होटल की जो सर्विस है उसमें से एक चीज़ ये भी है कि इस तरह से गिरना रहा हो किनारे साफ हों एटिकेट के हिसाब से तो उन्हें गुस्सा आया और उनकी वालदा ने कहा कि इसको समझाएं कि गुस्सा नहीं आना चाहिए मैंने कहा कि हाँ वाहन नहीं आना चाहिए और तो उस वक्त मैंने मिसाल दी तो उनको अच्छी लगी बहुत ही नेक है अल्लाह उनकी तोफ़ीक़ात में इजाफा फरमाए तो मैंने कहा अगर ये डिश उस ज़माने में हुकूमत थी परवेज़ मुशर्रफ़ की मैंने कहा अगर ये डिश आपके ऊपर गिर जाती ना परवेज़ मशरफ़ से तो ग़ा नहीं आना था ये गु़ा इस बात की अलामत है ये बेचारा ग़रीब है ये गरीब है लिहाजा ऐसी कस्म का एक टी वी पर हमें याद हम छोटे छोटे थे तो एक ये कॉमेडी प्रोग्राम्स आते थे तो उनमें एक जगह था कि किसी ने ऊपर से खिड़की से खाना फेंक दिया तो नीचे से एक आदमी जो है चीख रहा होता है कि तू नीचे आ तुझे देखूं और ये और वो और जब वो नीचे आता है तो बहुत लम्बा तड़ंगा आदमी होता है तो उससे कहता है क्या हुआ दिखाता गया तो क्या हुआ क्यों बुलाया मुझे कहने लगे भाई साहब बहुत मजे की दाल है अब आप कब फेंकेंगे तो वो जो गुस्सा था वो एक गरीब के ऊपर था जब पावरफुल को देखा तो इंसान क्या हो गया बहुत ही ज्यादा मोतावाजे हो गया हम में से बहुत सारे लोग बाहिर बाखलाक लगते हैं लेकिन कुदरतमंद लोगों के सामने बाहिर खुश अखलाक होते हैं लेकिन पावरफुल लोगों के सामने बजाय होता है कि ओ नो 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 कोई बात नहीं है ओ कोई बात नहीं है लेकिन पावरफुल लोगों के सामने असल हिल असल इखलाक नजर आता है और टॉलरेंस और इंसान नजर आता है कि जब ऐसे के साथ करे कि जिससे कोई खतरा ना हो उसकी कोई हैसियत ना हो टक्कर अगर हमसे किसी ने मार दी पावरफुल आदमी ने और हमने कहा ओ नो 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 कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये भी अच्छी बात है ये भी अच्छी बात है लेकिन असल अच्छी अच्छी बात कब होगी जब गरीब मस्किन शक्ल से सूरत से ताकत से कुदरत से लिबास से हर जगह से नज़र आ रहा हो कि बेचारा कुछ भी नहीं है उसको हम कहेंगे ना बेटा ना ना कोई बात नहीं एक नसीहत मैं हमेशा करता हूँ अगर आप में से भी कोई पावरफुल आदमी है और हर आदमी के पास थोड़ी बहुत पावर तो होती है उसी पावर का भी नशा भी होता है ना पावर का नशा जो है बड़ा ख़तरनाक होता है वो ये कि पावर को कभी भी मिस ना करें और ये जान लें कि हमारी पावर जो है वो बहुत ही महदूद है एक हल्का सा क्लॉट जाके यहाँ पर लगेगा और हमारा सब होश हवास और अकल व शूर और ताकत वुदरत सब ख़त्म हो जाएगा अगर फिज़िकली चलते रहे तो अलग बात है वही दिमाग तो ख़राब हो ही जाएगा ओके गया सब कुछ तो जो ताकत अल्लाह ने दी है किसी भी कस्म की किसी एक आदमी के ऊपर या किसी दो आदमियों के ऊपर या दस आदमियों के ऊपर या दो आदमियों दो सौ आदमियों के ऊपर या दो लाख लोगों के ऊपर उसको इंसान कभी मिस यूज़ ना करे अल्लाह बदतर लोगों को हम पर मुसलत कर देगा ये जो बाज दफा लोग पावर में आने के बाद इंसल्ट करते हैं लोगों की और ऐसा लगता है कि ये इनकी जॉब का तकाजा है बस अगर जॉब का तकाजा है पावर का तकाजा है तो आपके बॉस को और ज्यादा हक है आपको और हमें जलील करने का क्योंकि अगर हमारी तनख्वा फर्ज करने यहाँ के हिसाब से बात हो रही है अमेरिका कनाडा के हिसाब से फर्ज कर लें कि जी दो मिलियन है सालाना और हम अपने नीचे वालों की बेजती कर सकते हैं तो दो मिलियन वाला अगर पांच लाख वालों की बेजती का हक रखता है तो दो बिलियन वाला तो हमें जो चाहे क्या है फिर इसका मतलब है इस कानून के हिसाब से बिलियनर का तो और ज्यादा हक है फिर तो यह जहन में रखना चाहिए एक चीज हमेशा मैं नसीहत करता हूं आप लोग किसी ऑफिस वगैरह में हो और कोई जॉब हो या ना हो कभी भी कोई आया हो खुद मेरी रविश है कि मैं आमतौर पे लोगों को पूछ के लिफ्ट देता हूँ कि कहीं जाना है तो आ जाओ और खसूस इंडिया पाकिस्तान के जो यहाँ पर स्टूडेंट होते हैं बास के पास बास दफ़ा पैसे नहीं होते बास के पास बास दफ़ा जो है वो ड्राइवर लाइसेंस नहीं होता एक एक मील चल रहे होते हैं हमेशा पूछें और हमेशा सवाब मिलेगा किसी भी इंसान के साथ नेकी करें वो हिंदू हो सिख हो मुसलमान हो ना हो इंसान हो काफ़ी है हती हैवान के साथ भी नेकी का सवाब है आपके अगर जॉब कभी कोई आए या हमेशा अपने जहन में रख लें इसका सवाब आपको मिलेगा आप देखते हैं जी एक लड़का आया है एक लड़की आई है जॉब के लिए तो उसको आप बड़े प्यार से अव्वल तो मिले देखें बाज लोग खौफ के आलम में होते हैं एक अहम तरीन सवाब यह है कि उसके खौफ को ख़त्म कर दें आप यानी वो अपने लिबास से होलिया से बेचारा ऑफिस में घबरा के देख रहा है कि अब मेरी कौन बेजती करेगा आप सबसे पहले आगे जाए जी बेटा अगर कोई लड़का है हमें नहीं कह रहे लड़की के साथ भी ऐसे करें वो डांट देगी कह बेटा बैठिए बैठी, है, बैठी, है, बैठी है, आई है क्या अब अगर जॉब ना भी हो तो उसको प्यार मोहब्बत से चाय पिलाएं और अगर टाइम है उसको कुछ खिलाएं कोई भी हो बाज दफा ऐसा होता है कि लोगों के पास आखिरी 200 या 100 डॉलर बचे होते हैं वो खाना नहीं खा रहे होते तो खिलाएं हंसी मजाक करें ये जो हंसी मजाक है ये सवाब है बड़े आदमी का दूसरे के साथ गैर का अजनबी के साथ ये हंसी मजाक अब वो गंदा हंसी मजाक नहीं ये और क्या हाल है बैठो बैठो बैठो, बैठो। बड़े अच्छे लग रहे हो ये वो ये सब सवाल है इसे टाइम ज़ाया नहीं होता लोग सोचते हैं इन लोगों से टाइम ज़ाया हो रहा है ना ये जो दस मिनट आपने लगाए अल्लाह इसके बदले मुमकिन है दस साल बढ़ा दे कोई टाइम ज़ाया नहीं होता अल्लाह के लिए जो काम होता है वो कभी ज़ाया नहीं होता कोई टाइम ज़ाया नहीं होता उसको खिलाएं कितना जाएगा एक बर्गर का एक स्टूडेंट आया है जॉब के लिए उसको अगर आपने दस डॉलर का बर्गर खिला दिया या कुछ मंगा के खिला दिया क्या चला जाएगा क्या चला जाएगा अल्लाह इसके बदले बहुत देता है फिर उससे पूछें तो मैं कहीं आपको छोड़ दूँ वापसी में बैठ जाओ बेटा आधे घंटे में छोड़ दूंगा ये और वो ये नकियाँ कभी भी ना छोड़ें नकियाँ फ़कत ये नहीं होती नमाज और रोज़ा और हज और उम्र और गर्दन टेढ़ी कर करके दुआएं असल नेकी ये होती है कि इंसान अपनी औकात याद रखे और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छा ही करे मेरा तो मैार यही है ये नमाजी और हाजी और ये और वो अगर मुझे रूड नज़र आते हैं तो आप यकीन जानें मैं उनकी एक टके की हैसियत नहीं मानता नमाज़ पढ़ते हो अपने लिए पढ़ते हो हज करते हो अपने लिए करते हो ज़ारत पे जाते हो अपने लिए जाते हो, हो। अल्लाह की मखलूक़ के साथ अच्छी तरीके से रहो तो तुम ज़्यादा बेहतर हो एक बात मैं कहने जा रहा हूँ वाज़फ़ा लोगों को हज़म नहीं होती आपसे मैं सवाल करता हूँ एक नमाजी है जो इंसानों की तोहन करता है एक शराबी है जो इंसानों का एहतराम करता है कौन बेहतर है एहतराम करने वाला शराबी बेहतर है उस शराब का ताल्लुक उसके और अल्लाह के दरमियान है लेकिन वो अल्लाह की खल के साथ अच्छा है हम नहीं कहते शराबी आइडियल है ना आइडियल ये भी नहीं है आइडियल ये भी नहीं है आइडियल वो है कि जो अल्लाह की भी इतात करे और अल्लाह के बंदों का भी एहतराम करे लेकिन जो सो और दीनदार बाज दफा अपना थोड़ा दीन पे अमल करने के बाद जो है वो मुतकबर बन जाते हैं और अल्लाह के जानशीन बन जाते हैं ऐसा लगता है कि सारा हिसाब किताब ही इनको देना है बाबा तुम अपना काम कर नमाज पढ़ रोजा रख बहुत शरीफ आदमी हो तुम लेकिन अल्लाह के हल का तुम तुम्हारे लिए कोई हिसाब किताब नहीं करना है और उसके लिए है रोज़ क्यामत एहतराम करो हाँ बुरे काम को इंसान बुरा समझे लेकिन अपने आप को बहुत ज्यादा कोई पहलवान नहीं समझना चाहिए सलवादा चल रहा था तो इसमें एक मौजूद आज पढ़ देते शहरम इस महीने में शकी तरीन फर्द वो है कि जो अल्लाह सुबहाना तखफरत से महरूम हो जाए यानी ऐसे काम हों के जो माफी नहीं हो सकते क्या ऐसे काम हैं याद रखें जितने भी गुनाह हैं माफ हो सकते हैं हम उन गुनाओं को नहीं कह रहे कि मामूली है ना गुना नहीं करना चाहिए उम्मीद पे कि अल्लाह माफ कर देगा मुमकिन है मौत आ जाए लेकिन याद रखें शराब का गुना एक लहजे में अल्लाह माफ कर देगा अल्लाह तू मुझे माफ कर दे कोई कफारा है कजा है उसके बदले जमजम पीना पड़ेगा नमाज कजा हुई है एक मिनट में माफ हो जाएगी लेकिन कजा करनी पड़ेगी रोजे कजा हुए हैं एक मिनट में अल्लाह माफ कर देगा लेकिन कजा रोजे रखने होंगे याद रखें सबसे बुरा जो गुना है वो अल्लाह के खल को तंग करना है और जब तक वो माफ ना करे कोई माफ नहीं करेगा हम सारी रात इस्तफार करते रहें कुछ नहीं होगा जब तक कि जिसपे जुल्म किया है वो माफ ना कर दे बस शराबी का गुना एक लहजे में माफ हो सकता है किसी भी गुना को एक लहजे में माफ कराया जा सकता है अब उसकी अलग अलग, अलग है लेकिन जुल्म ऐसी है माफ नहीं होती अभी कोई जहन में ना रखे कि हम कह रहे हैं जो शराब कोई पी ले कोई बात नहीं ना हर गुनाह से बचना चाहिए लेकिन हम मिसाल दे रहे हैं कि हमारा जो माहौल बना है जिसकी वजह से पाकिस्तान में मुस्लिम वर्ल्ड में जुल्म है वो इसी वजह से बना है कि इंसान ये समझता है, है। कि मैं नमाजी हूं तो उसके बाद ऑनलाइन क्लियर जो चाहे करूं जुल्म करूं कुछ करूं हमारा मुस्लिम माशरा इसी पे चल रहा है लिहाजा अदल नहीं है इंसाफ नहीं है लोगों का ख्याल नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि वो समझते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है हम तो नेक आदमी है एक मौलाना ने बड़ी अच्छी बात कही मुझे हंसी भी आई लेकिन ये हकीकत भी है वो कहने लगे जो बहुत पैसे वाले जो जो बहुत नेक लोग हैं वो नहीं देते मस्जिद इमाम बारगाह में ज्यादा अच्छा तो मुझे तो कोई तजर्बा ही नहीं था मैंने कहा अच्छा चा? कहने लगे हाँ कहने लगे आप जानते क्यों नहीं देते कहने यूँ नहीं देते कि उनको अपनी नमाज और ज्यारतों और हज और उसके ऊपर काफी भरोसा होता है <laughs> कहने लगे जो कम मजहबी होता है वो देता है क्यों देता है क्योंकि उसके जहन में होता है यार मेरे कोई और काम नहीं है यही कर लू पैसा है तो किसी को भी अपने अमाल के ऊपर अकड़ इंशाला इस मौजुअ बात करेंगे नहीं दिखानी चाहिए लेकिन वाज़बात पर भी अमल किया जाए हराम से भी बचा जाए लेकिन सबसे ज्यादा ख्याल अल्लाह के बंदों के साथ किया जाए किसी भी दीन मजहब के हों उनका ख्याल किया जाए किसी के साथ भी नहीं करेंगे उसकी जजा जरूर पाएंगे सलवा पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद वध करो बेजुम अच्छे कुम फी है जू आ योम क्या शही इस महीने में इस भूख के और प्यास के जरिए से योम क्या की भूख और प्यास को याद रखो करो। व तला अला मसाकििन कुम व कुम। इस पर इंशाला कल भी बात करेंगे और सदका दो अपने फकर और मसाकिन को इनशा इस पर फिर तफसील से बात होगी और हम तोज्जो दिलाएंगे कि क्या है सदका किस तरह से है सदक फ़िलहाल अब इतना बताते चलें कि सदका क्या है अल्लाह सुबहाना हुआ ताला ने जो हमें माल दिया है वो हम अल्लाह की मखलूक को दे दें लेकिन दर हकीकत वो हम अल्लाह को दें अल्लाह को दें से क्या मुराद है हमारी फिर तो इस आदमी से नहीं होनी चाहिए हमने इसको नहीं दिया है रवायतों में है सदका हमने अल्लाह को दिया है बज़ाहिर जो अल्लाह का हाथ था वो ये वाला हाथ है लेकिन इस आदमी को हमने कुछ नहीं दिया इस आदमी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है अब चाहे ये हमारा ख्याल करे चाहे हमें ये गालियां दे वो उसकी जिम्मेदारी है हमने इसको दिया ही नहीं हमने तो अल्लाह को दिया है क्या मुराद यानी अब हमें इससे कोई तो नहीं होनी चाहिए बाज दफा लोग किसी जरूरतमंद को बुलाते हैं देते हैं अच्छे खासे काम करा लेते हैं असल कोई ऐसा उनको सवाब नहीं मिल रहा उन्होंने असल में काम कराया किसी से सलवात पड़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद चौथी रमज़ान की जो मुनासबतें हैं उनमें से एक है फिफ़्टी थ्री हिजरत में हबीस व पलीत जयाद अबन अभी ही दुनिया से रखसत हुआ जो दुश्मन है मौला आमिरम्न था अब ये जहन में रहे कि इसकी माँ थी सुमैया और ये वालाजना था लेकिन इस्लाम में जो हुक्म है वो ये है कि इस मामले में ज्यादा तहकीक नहीं करनी चाहिए जो जिसके साथ रह रहा हो अगर वो डिक्लेयर करता है तो बस सही है यानी हमें आपको अगर पता हो कि ये फलाना बच्चा नाजायज है लेकिन अंदर से हमें पता है फर्ज करें लेकिन एक औरत अपने शोहर के साथ रह रही है तो वो उसी शोहर का माना जाएगा ज्यादा शोर शराबे की जरूरत नहीं है इस्लाम पसंद नहीं करता इस रास को खोलने को मगर यह कि जिन्होंने खुद ही खोला वो इसी तरीके से एक मौजूद के उसको हम डिस्कस कर दें देंस तो हमें नहीं करना था जुम्मन आ रहा है बाज़ दफा लोग जबान खोलते हैं कि माजल्ला माजल्ला नहीं खोलनी चाहिए ईदी में जो बच्चे हैं उनके बारे में कतअन गुना है किसने कहा कि ईदी में जो बच्चे हैं वो सवाल ना करे माजल्ला माजल्ला वो हराम के हैं। किसने कहा कुछ ऐसे हैं कि जो लोगों ने मजबूरी में वहां दे दिए कुछ ऐसे हैं याद रखें कि जो अस्पतालों से चोरी हुए हैं कुछ दुश्मनी में बच्चे चोरी हुए हैं लिहाजा कहीं भी किसी भी बच्चे को आप देखें कि उसकी मां हो या ना हो बाप हो या ना हो असल यह है कि इसको हम असल क्या है यानी कि ना हमारा से कोई ताल्लुक नहीं है यह जायज़ है अब अगर किसी को पता चल जाए तो ढंडोरा पीटना जरूरी है नो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसको हम अपना दीनी फरीजा समझ के इसको उजागर करें अब यह ज्यादा अभी जो है ये एक जमाने में मौला अमीरमिन को एज ए चौथा खलीफा मानता था और एक जगह का यह आमिल भी था लेकिन माविया ने इसको लालच दी और कहा कि मैं तुम्हें अपना भाई बना लूँगा और इसका जो एक राज एक हद तक छुपा हुआ था ये इतना बेगैरत था कि ये इस पर तैयार था कि माविया की कुर्बत हासिल हो जाए चाहे इसकी माँ जानिया मशहूर हो जाए और ये वलद वज़ना मशहूर हो जाए लिहाजा मुआविया ने इसको कहा कि तुम मेरे भाई हो यानी मेरे बाप अबू सफ़ीन के जना की औलाद हो इसकी यह दास्तान है असल में किसके लिए दुनिया के फायदे के लिए और फिर उस जमाने में अबू मरियम नामी एक शराब फरोश था ताइफ का क्योंकि यह ताइफ का था सकीफ़ खा, खानदान का था तो उसने अबू मरियम ने कहा कि हाँ ये इसकी विलादत से यही नौ महीने पहले अबू सुफियान आया था उसने मुझसे पूछा था कि यहां पर कोई औरत है इस किस्म की खाइश किस्म की तो मैं नहीं भेजा था तो मैं गवाही देता हूँ कि अबू सुफियान का बेटा अब शराब फरोश गवाही दे रहा है अबू सुफियान के जना की मुआविया ऐलान कर रहा है और फिर सुमैया के जना की बात हो रही है और फिर जो जियाद इबन है ये जो है वो भाई बनाया जा रहा है किसका मुआविया का फिर मुआविया ने सियासी एतबार से कहा अपनी बहन से कि इससे मिलने जाओ लेकिन अपने सर पर चादर ना रखना इसके सामने चादर उतार देना और कहना तुम मेरे भाई हो मेरे महरम हो ये पॉलिटिकल फायदा उठाया इससे और फिर यह फ़ायदा माविया को भी मिला बा इस दुनिया में और यजीद को भी मिला और फिर यजीद ने इसी के बेटे उबैदल अपने ज़ियात को जो है वो बसरे के साथ साथ कोफे का गवर्नर बनाया खुदा वंद व तमाम मलाइक की तमाम अम्बिया की तमाम ओसिया की तमाम मोमिन ने जन्म नाहनत हो दुश्मन महम्मद वाल महम्मत पर फिर चंदमा का इंतकाल हुआ है इन्हीं चंद सालों में अब गो के वो कोई इस एतबार से कि बहुत कोई खा अहम वाक़ हो तारीख़ का जैसे कि आयमा का उस तरह से तो जाहिर नहीं है लेकिन ज़ाहिर है कि उन्होंने आयमा की खिदमत की तो उनके नाम की हद तक कोई हर्ज भी नहीं है उनके दर्जात की बुलंदी के लिए सलवा भी पढ़ाएंगे मिर्ज़ा हसन अली ये तहरानी जो शागिर थे आयातल मिर्ज़ा शराजी की अभी याद रखें कि इंग्लैंड से ईरान में असर रसूख को रोकने वाले थे आयतुल्लाह आयतुल्लास्मा मिर्ज़ा हसन शराजी अब्बल के जिन्होंने उस वक्त ब्रिटिश कंपनी जो ईरान से महाहा कर रही थी तंबाकू का तो इन्होंने वक्ती तौर पर तंबाकू को हराम करके ब्रिटिश कंपनी को मजबूर कर दिया था और डरा दिया था कि तुम जब भी इन्फ्लुन्स हासिल करना चाहोगे इकतसादी एतबार से ईरान में तो जिस चीज़ के जरिए से भी करोगे हम उसको हराम कर देंगे तो इन्होंने तम्बाकू को हराम करार दिया था और ब्रिटिशर के इन्फ्लुएंस को रोका था फिर इन्हीं के शागिर्द आयतुल्ला अलुजमा, शेख तकी शराजी ने 1920 में फतवा दिया था ब्रिटिशर के खिलाफ और एलान जहाद किया था और इराक़ से उन लोगों को निकलवाया था इनके शागिर्द थे मिर्जा हसन अली के जिनका इंतकाल 1325 हिजरी में हुआ यानी आज से भी 100 समझें 20 साल पहले तकरीबन एक साल पहले और इनका एक वाक़ बयान कर देते हैं। एक दिन मजलिस में थे और जाकिर मसाइब पढ़ रहे थे और मसाइब में उन्होंने कहा व दखलत जइिनबो अलाबन जयात ये वाक़ा सुनाया आयतमा शेख हुसैैन खरासानी साहब ने कि जो इस वक्त तमाम हमारे बराजे में सफ़े अब्बल के और बुज़ुर्गों में से एक हैं वदाखलत ज़ैनबलाबन ज़ियाद के हज़रत ज़ैनब को हज़रत जैनब दाखिल हुई इबन ज़ियाद के दरबार में अब वो ख़तीब अगला जुमला बोलने वाले थे तो आया मिर्ज़ा हसन अली तहरानी ही थे इन्होंने एकदम से ऐसे हाथ का इशारा किया और कहा कि बस अब खामोश हो जाओ ये जुमला इतना सादा नहीं है कि इसके बाद कोई और जुमला कहो अभी मसाइब, पर गिरिया होने दो इस जुमले का हाक अदा होने दो लोगों को अहमियत का अंदाज़ा हो कि मसाइब में से बड़ी मुसीबत क्या थी वत ज़ैनबोलाबन ज़ियाद के हजरत ज़ैनब इबन ज़ियाद के दरबार में दाखिल हुई किस आलम में दाखिल हुई तो उन्होंने कहा इसका हा अदा होने दो रुक जाओ अभी रोने दो इस पर लोगों को एहसास होने दो कि कितना बड़ा और सख्त मरहला था फोर्टीन सेवेंटी फोटी थर्टीन में सॉरी चौदह सौ तेरह में इनकी हमने जीारत भी की है आयतल उज़मा मिर्ज़ा हाशों में आमली का इंतकाल हुआ ये बड़े इस वक्त के मराजे में से थे इनकी ख़ुद हमने जीारत की है और फ़ोटी ट्वेंटी एट में इंतकाल हुआ आयतुल्ला मुर्तज़ा अस्करी साहब का कि जो तारीख़ में और मनाजरे में और दिफा तशयों में इस ज़माने के मशहूर तरीन अफ़रा में से एक थे सलबात पुणर महमद वाल मोहम्मद अब वो पहली बारी गुफ्तु को बाद में तो दिलाते हैं कि सबसे ज्यादा जो हमें फोकस करना चाहिए वाजिबात पर फोकस करना चाहिए मिसाल के तौर पर माह मिसाल के तौर पर शब कदर में अगर सारी रात बैठ कर इबादत करें और वजू सही ना हो तो कोई फायदा नहीं सौ रकत नमाज बातिल पढ़ने से बेहतर है कि इंसान गौसल वजू सीख ले तो रकत नमाज पढ़ लें तो सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए कि जो अमाल है वह सही हो आज इंशाला उसी क्याम के बारे में और कुछ मौजूद के बारे में और कुर्सी इसी वजह से रखी है कि जो हजरात कुर्सी पर नमाज़ पढ़ते हैं उनके क़्याम के बारे में तोज्ह दिलाते हैं क्योंकि बज दफ़ा लोग आ, कुर्सी पर बैठ के नमाज़ पढ़ रहे होते हैं जबकि उनको नहीं पढ़नी चाहिए सलवा बर महमद वाले महमद कल हमने ये कल हमने तवज्जो दिलाई थी कि इसको ऊपर रखने मेरे ख्याल में मैं, मैं सही कल हमने तवज्जो दिलाई थी कयाम के बारे में किसी भी तरीके से जो नॉर्मल खड़ा होना है वो नमाज में काफी है अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ देने की ज़रूरत नहीं है बाकी जो चीज़ें हैं मुस्तहब है कि मर्दों की तीन उंगलियों का फासला होना चाहिए जिससे क्या मुराद वाजिब नहीं है बेहतर है इतना हो ज्यादा से ज़्यादा एक बालिश हो पाँव सीधे हों लेकिन इस तरह भी हों कोई हर्ज नहीं है वजन दोनों पर बराबर हो लेकिन अगर ऐसे भी खड़े हैं तो कोई हर्ज नहीं है निकाह का की जाने हो ये बेहतर है लेकिन अगर नहीं है इधर देख रहे हैं तो भी हर्ज नहीं है हाथ इस तरह से यहाँ पर हों लेकिन अगर ऐसे भी हैं तो सही हैं बाजू मिले हुए हों लेकिन खुले हुए भी हैं तो सही हैं कंधे झुके हुए हों ऐसे भी खड़े हैं तो भी सही है ये हम यूं बता रहे हैं कि किसको थोड़े से मुस्त पता चल जाते हैं बराबर वालों को फिर टोकता है कि तुम्हारी नमाज खराब हो रही है जब तो पता चल रहा है कि ना उसकी सही है टोकने से पहले पता होना चाहिए कि वाजिब क्या है और मस्तहब क्या है और हराम क्या है और टोकने में भी याद रखें कि टोकना बेजती के लिए या बड़ाई के लिए नहीं होना चाहिए बस पता है कि अल्लाह का एक हमें हुक्म पता है तो उसको बड़े एहतराम से बता दें तो ये तो था कयाम के बारे में इन शाला ये और मौजूद चलते रहेंगे अगर ज़िंदगी रही नमाज का ये कयाम वाजिब है लिहाजा वो अफराद ये ऐसा थी कि यहाँ पर लिहाजा वो अफराद के जो बैठ के नमाज पढ़ते हैं तो वो एक बात की जानब तवज्जो रहे कि जो चल सकता है और खड़ा हो सकता है उसको खड़े होके ही नमाज पढ़नी होगी खड़े होके रुकू सजदे की बात नहीं हो रही अभी जो असल मौजू है वो ये है कि कभी भी अगर जान का ख़तरा हो या दर्द शदीद हो या बीमारी बढ़ने का खतरा हो तो फिर ये हमारे और अल्लाह के दरमियान है और बाज दफ़ा फिर डॉक्टर की बात ही माननी चाहिए बाज़ दफ़ा इंसान फिज़िकली सही लगता है हार्ट अटैक के बाद डॉक्टर और बाज लोगों को कहते हैं कि ये ज़मीन पे पाँव नहीं लगने चाहिए तो यहाँ पर हमें अपने आप को खुद जज नहीं करना चाहिए इस जगह पर मसा डॉक्टर कह रहा है कि आपका ज़मीन पे खड़ा होना हार्ट अटैक का सबब हो सकता है तो फिर हमें नहीं खड़ा होना चाहिए गोके हमें महसूस हो रहा है कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ और बज दफ़ा ऐसा हुआ है कि उन्होंने अपने आप को महसूस किया कि मैं बहुत अच्छा हूँ एकदम से खड़े होकर ज़मीन पर बोझ डाला और चला अटैक हो गया तो डॉक्टर की भी माननी है लेकिन हाँ दर्द में दर्द डॉक्टर को नज़र नहीं आ रहा दर्द हमें भी नज़र नहीं आ रहा हुक्म फिर क्या है कि अगर शदीद दर्द होता है जो नाबले बर्दाश्त है तो फिर आप इस चीज़ को छोड़ दें यानी रुकू को सजदे को या कयाम को छोड़ दें बस एक आदमी अच्छा लग रहा है लेकिन वो खड़ा ही नहीं हो सकता तो फिर वो बैठ के नमाज पढ़ेगा लेकिन वो लोग जो चलते हैं फिरते हैं खड़े होते हैं वो नमाज खड़े होके पढ़ेंगे अब फर्ज़ कर लें कि वह रुकू नहीं कर सकते उनका इस्पाइनल कॉट का प्रॉब्लम है या गले का प्रॉब्लम है वो रुकू नहीं कर सकते बाज़ाहिरहतमंद लग रहे हैं वो जाने उसका अल्लाह जाने वो कहता है जी एक शदीद दर्द होता है रुकू से एक वजह दूसरी वजह यह है कि डॉक्टर ने बताया है कि जी ये मोहरे मजीद ख़राब हो जाएंगे अगर झुके तो ये क्या है कि एक उज्फ जाया होने का खतरा है या शदीद बीमार होने का खतरा है तो ऐसे आदमी को भी रुकू नहीं करना है इसी तरीके से कोई सजदा नहीं कर सकता या शदीद दर्द है या बीमारी बढ़ जाएगी बस वह रुकू सजदा नहीं करेगा लेकिन खड़े होकर नमाज पढ़ेगा अब खड़े होके बाज दफ़ा बाज लोग हैं कि वो खड़े हो सकते हैं फ़र्ज़ करें इस तरह ऐसा लेके लिहाजा हमें याद है आयतुल्लमा शेख मोहम्मद अली अराकी रजवान अल्ला उनके पीछे मैंने नमाज़ पढ़ी है फ़ैज़िया में पढ़ाते थे अलबत् नमाज़ पढ़ना बहुत मुश्किल काम था वो एक सौ साल एक सौ कुछ साल की एज में वह नमाज़ पढ़ाते थे वो वाली और वजह यह थी कि जब वो उनके ख़ास ही लोग पढ़ते थे हमने भी दो दफ़ा ही पढ़ी क्योंकि बहुत लंबी होती थी जब उन्होंने जिक्र कर दिया अल्लाह अकबर तो अब आप इंतज़ार करें वो रुकू में जाना शुरू करते थे जाना शुरू करते थे और हुक्म क्या है याद रखें नमाज़ जमात में कि इमाम जबात से पहले रुकू में नहीं जा सकते तो अब वो हल्के हल्के जाना शुरू करते थे अब यकीन जाने ये रफ्तार होती थी फिर वो रुकू में पहुंच जाते थे तो फिर अनाउंस होता था अल्लाह अकबर रुकू तो अब आप रुकू में जाएं फिर वो रुकू से उठना शुरू करते थे फिर वो सजदे में जाना शुरू करते तब अंदाजा लगा लें लेकिन उनकी जमात में बुजुर्ग और बड़े बड़े लोग जाते थे खैर तो ये भी जहन में रखें कि रुकू सजदा इमाम जमात से पहले जानबूझ के नहीं कर सकते और अगर कोई कर ले फर्ज करें कि जी रुकू में चले गए या सॉरी रुकू से उठ गए पहले और इमाम जमात अभी रुकू में है तो हमें दोबारा चले जाना चाहिए फुरादा नमाज में दो रुकू होंगे नमाज बातिल हो जाएगी लेकिन जमात में इमाम जमात को फॉलो करने के लिए अगर हम दो रुकू करेंगे तो नमाज बातिल नहीं होगी तो अगर कोई खड़ा हो सकता है असा लेके तो वो असा लेके खड़ा होगा अगर कोई खड़ा हो सकता है वो जो वॉकर टाइप का होता है तो उसको लेके खड़ा होगा लेकिन ये कि जी उसके शदीद दर्द है या बीमार हो जाएगा या जान चली जाएगी तो फिर वह बैठ के पड़ेगा लिहाजा वो अफराज जो चलते हैं फिरते हैं ड्राइव करते हैं उनकी नमाज का तरीका क्या होगा कि वो नमाज खड़े होके पढ़ेंगे ये ले लीजिएगा वो नमाज खड़े होके पढ़ेंगे और फिर रुकू अगर कर सकते हैं फिर ये मसला आ गया फर्ज करेगा आदमी सजदा नहीं कर सकता तो नमाज खड़े होके पढ़ेगा रुकू पूरा करेगा अब सजदा क्योंकि नहीं कर सकता तो सिजदा बैठ के करेगा और अगर वो रुकू भी नहीं कर सकता तो रुकू भी बैठ के करेगा यानी क्या कैफियत होगी कि नमाज अपने खड़े होकर पढ़ी यानी नमाज से मुराद अपना जो क्याम है सूर और सूर हमदो सूर दो तो छोटा सूरह उसके बाद अब रुकू नहीं कर सकते फर्ज ये है तो अब हम रुकू बैठ के कर लेंगे लेकिन अगर खड़े होके कर सकते हैं तो हमें खड़े होके ही करना होगा रुकू लेकिन ये हमारे अल्लाह के दरमियान है शदीद बीमारी का खतरा है तो फिर रुकू नहीं करना है या शदीद दर्द है तो रुकू नहीं करना है रह गया मसला सिजदे का तो सिजदा अगर कर सक नहीं कर सकते तो करना होगा और नहीं कर सकते तो फिर मेज पे हो जाएगा अब मेज जरूरी नहीं है मेज है तो बहुत अच्छा है नहीं है तो हाथ रुका हुआ हो बस तो इसी तरह से सिजदगा भी, भी किया जा सकता है अब ये सजदे के बारे में तवज्जो दिलाएं कि बाज दफा फर्ज ये करते हैं अब इसको हटा देते हैं कि सजदे में ये सारे मसाइल बार बार बयान होते रहेंगे सजदे में सात चीजें जमीन पे लगानी है दो पहले एक ये दो तीन ये सॉरी ये अपने पांच हो गए और क्या लगाना है ये जो इस तरह से पांव लगा देते हैं ये नहीं लगाना है ये लगाना है जो दो आजाए है सजदे के वो ये अंगूठे का कोना है ये ऐसे कर दिया है तो ये काफी नहीं है अब तक किसी ने किया है चले हो गया ये अंगूठे का ये हिस्सा लगाना यानी ये लगना है जमीन पे ये सात आजा है फर्ज ये कर लेते हैं कि हम सजदा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कि जी हमारा ज्यादा बैंड नहीं होता है तो क्या जरूरी है कि सजदा ऐसे ही किया जाए कि बिल्कुल हाथ ऐसे हों ना फर्ज करें हमारे हाथ में ऐसा दर्द है हाथ ऐसे आगे जा रहा है हो सकता है सिजदा हो जाएगा या पाओ में प्लास्टर या कोई ऐसी चीज है कुछ भी है और मैं करके दिखा देता हूं फर्ज ये कर लें कि ये तो सही हो गया सिजदा हम ऐसे कर रहे हैं सिजदा टांग में हमारे यहां ऐसा दर्द है घुटना भी लग रहा है अंगूठा भी लग रहा है कोई दर्द नहीं है कोई बीमारी का खतरा नहीं है तो तुम्हें ऐसे करना हो आप फर्ज ये कर लेते हैं कि टांग में प्रॉब्लम है उठ सकते हैं उठ गए नहीं है या बीमारी बढ़ने का खतरा है तो फिर ये सारी चीजें है अब होता क्या है कि लोगों के जहन में ये होता है कि सिजदा हमें ऐसे ही करना है बिल्कुल बैलेंस दो हाथ या दो घुटने या दो अंगूठे वहां नो हल्का सा सुमा निकल गया कोई हर्ज नहीं है लेकिन ये जहन में रहे कि आपको इल्म है कि ये बीमारी बढ़ जाएगी तो ना करें आपको इतना शदी दर्द है कि ना नाकबले बर्दाश्त है कि नमाज में ही चीखें निकल जाएं तो भी फिर ये इस तरीके से जो प्रॉपर वे में सजदा है ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगा एक हल्का सा मसला तशाउद के बारे में बता देते हैं बाद में सिलसिले चलते रहेंगे फिलहाल हमारा ज़्यादा फोकस बीमारों के हवाले से था तशाद के बारे में भी आमतौर पर हम लोग ऐसे बैठते हैं अब लोग समझते हैं यही बैठना ज़रूरी है खैर जो मुस्तहब है याद रखें वो ये तरीका है और ये वाखन मुश्किल है लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमने ये सजदा किया और मैं ऐसे भी नहीं बैठ पा रहा और बाज दफ़ा लोग इस वजह से नमाज पढ़ते हैं कुर्सी पे। और ऐसे भी नहीं बैठ पा रहा बल्कि मैं ऐसे बैठ पा रहा हूँ तो इसका मतलब है सही है ये किसने कहा कि तशहुद में ऐसे ही बैठना जरूरी है तो फर्ज करें ये हमने एक सजदा किया दीगर खड़े थे, रुकू किया। किया। के बाद खड़े हुए अब बेशर्त है यह कि बीमारी भी नहीं बढ़ रही जान का खतरा भी नहीं है और शदीद दर्द भी नहीं है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है हम ये सजदे में गए सिजदा किया।, किया बड़ी मुश्किल से हल्का सा यूं हुए फिर सजदा किया अब उसके बाद हमें तशाह में बैठना है तो ना तो यू बैठ पा रहे हैं और ना यू बैठ पा रहे हैं, तो हमें लगा कि हम ऐसे बैठ सकते हैं काफी अब क्योंकि यू कोई बैठ रहा है तो कहता है जी मैं तो बैठ के नमाज पढ़ूंगा नहीं उसको इसका मतलब है कि वो ऐसे बैठे आराम से क्योंकि ये बैठना या ये बैठना वाजिब नहीं है वो जो मुस्तह है वो भी ये वाला है और ये वाकई मुश्किल काम है कि सीधी रान पर उल्टी रान हो और सीधे पाँव से ये लगा हुआ हो ये है और ये वाकई मुश्किल काम है और इत्तफाक से कोई हमारे यहाँ ऐसे बैठता भी नहीं है ये बहुत मुश्किल काम है तो उमन ऐसे बैठ जाते हैं लेकिन कैसे भी अब कोई आदमी तशहुद के दरमियान ऐसे बैठता है या पालती मार के बैठ करना चाहता है काफ़ी है तशहुद पढ़ा अल्लाह अकबर काफ़ी है तो ये इस वजह से बताया हमने कि जब वो तरीका जहन में बैठ जाता है तो लोग समझते हैं कि बस हम क्योंकि वैसे नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर बैठ जाए लेकिन हम नहीं कह रहे कोई हमारी वजह से कुर्सी छोड़े अगर शदीद बीमारी है अगर जान का खतरा है और अगर शदीद दर्द है तो रुकू छोड़ा जा सकता है छोड़ने से मुराद नॉर्मल तरीके से सजदा भी नॉर्मल तरीके से छोड़ना होगा और कयाम भी छोड़ा जा सकता है लेकिन इसमें फैसला करने वाला ना मैं हूं ना कोई और है अड़ोसी पड़ोसी हर आदमी अपने और अल्लाह के दरमियान और अपने दर्द और अपनी कैफियत को देखते हुए खुद फैसला करे है एक आध मिनट ये जो कैफियत है अल्लाह मालिक अल्लाह के लिए इबादत कर रहे हैं बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है अपने आप को खतरे में डालना अल्लाह मालिक है, अल्ला के लिए इबादत कर रहे हैं बिल्कुल ये काम जायज नहीं है रोजे के हवाले से एक सवाल हुआ है शुगर का जिनका शुगर लेवल कम हो जाता है वो रोज़े नहीं रख सकते खसूस ये कि अगर दायरे के बड़ा ख़तरा हो लेकिन हर आदमी जानता है कि कब कितनी शुगर होती है किस मौसम में कितनी शुगर होती है और फिर यह कि छुट्टी वाले दिन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं तो अब अगर छुट्टी वाले दिन घर में रहकर उनकी शुगर सही रहती है तो उस दिन वो रोज़ा रखेंगे लेकिन ये सब उन पर डिपेंड करता है कि ना हमें पूछना चाहिए किसी से और ना किसी को हमें बताना चाहिए वो जाने अल्लाह जाने उसकी इबादात जाने लेकिन अगर किसी को शुगर का मसला है और इतनी लो हो जाती है कि जान जा सकती है वो रोज़ा ना रखें अगर कोई रोज़ा रखता है तो आया इंसुलिन लगा सकते हैं बिल्कुल लगा सकते हैं इंजेक्शन लगा सकते हैं किसी कस्म का भी कोई चाहे इधर इंजेक्शन हो चाहे जिसम में कहीं हो चाहे इंसुलिन हो रोजे में ले सकते हैं किसी को इस्तेमा का प्रॉब्लम हो जाए वो भी बाबा कहते हैं जी मुझे तो खुश खांसी हो जाती है ना खुश खांसी हो जाती है तो इनहेलर यूज़ कर सकते हैं तो ये जो चीज़ें मशहूर हो गई हैं इससे बज़ दफ़ा लोगों के रोजे छूटते हैं इन्हेलर यूज़ कर सकते हैं ये अपना इंसुलिन लगा सकते हैं इंजेक्शन लगा सकते हैं दांत निकलवा सकते हैं खून डोनेट कर सकते हैं खून लगवा भी सकते हैं कोई इसमें किसी कस्म का प्रॉब्लम नहीं है और दांतों के बारे में हमने पहले बयान कर दिया था अब इन शाला बाज़ दीगर मौजूद को भी तदीजन बयान करते रहेंगे आप लोगों के जहन में भी सवालत हों तो आप करें क्योंकि सवाल करने से मजीद जो है वो एक माहौल बनता चला जाता है हमें भी आप बता दें जैसे कल हमें एक दो लोगों ने ये इंसुलिन वाला मसला पूछा था तो आज हमें याद हो कि आया कि इसको बता दिया जाए तो उससे क्या होगा कि अगर हमें मसला पता होगा तो हम वो बता देंगे नहीं पता होगा तो जरा ढूंढ लेंगे क्योंकि बाद दफा नए मसाइल आते हैं जी जी सजदा जो है वाजिब यह है कि पेशानी हो किसी ऐसी चीज पे कि जो जमीन का हिस्सा हो खाई ना जाती हो और पहनी ना जाती हो यानी कोई भी मार्बल हो ग्रेनाइट हो पत्थर हो आम आप कहीं भी पाक पत्थर ले लें मिट्टी ले लें ले, उस पर सजदा हो जाएगा बेहतरीन चीज़ सजदे की क्या है हाके शफा मुस्तहब है कि जिस चीज पर सजदा जायज़ हो ना ये कि जिस चीज़ पर आप सजदा कर रहे हैं वही नाक के नीचे हो फ़र्ज़ करें नाक के नीचे आप पेशानी के नीचे आपके हैं के शफा आपने टिश्यू पेपर मोड़ के ऐसे रख लिया कि जिस पर नाक भी आ जाए तो मुस्तब है कि जिस चीज़ पर सजदा जायज़ हो तो नाक भी उस पर लगाई जाए ये वाजिब नहीं ये है मस्तहब है लिहाजा अगर कोई एक पत्थर या एक और सजदगा रख लेता है लेकिन दूसरी सजदगा रखने में ये देखना चाहिए कि हमेशा कोई छोटी उठा लें या टूटी हुई उठा लें कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को कम पड़ जाए लेकिन नाक के नीचे सजद का रखना मुस्तह है और सिज़दे में जब तक जिक्र हो रहा है हाथ वगैरह उठा नहीं सकते जैसी उठाया तो इसका मतलब है कि आपने अपना सिज़दा ख़त्म कर दिया है कोई और सवाल है तो टाइम भी हो रहा है किसी को वजू करना है तो वजू कर लें